तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। इसी फीचर के टॉपिक के बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके फिर सेटिंग्स पे क्लिक चाबी करके, को ऑफ कर देता हूँ। और लाइट ऑफ हो चुकी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है एथर 450X, जो कि BS6 कंपेयर कर सकते हो आप लोग इसको। और ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये पेट्रोल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक है, वो पेट्रोल रहती है। तो गाइस, जैसे कि BS6 गाड़ियों में लाइट अभी चालू ही रहती है, पहले पहले बंद रहती थी, अभी BS6 जैसे आई है तब से गाड़ी की लाइट्स हेड लाइट्स ऑन ही रहती है, तो इसकी भी रहती है। लेकिन इसकी चाबी ऑफ़ करने के बाद भी 10 सेकंड तक गाड़ी की लाइट चालू ही रहती है, उसके बाद ऑफ हो जाती है। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि ये फीचर ऑन ऑफ होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको इस फीचर के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या वर्क करता है। तो गाइज़, इसी फीचर के टॉपिक के बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज़, जैसे हम लोग गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है, फिर ये चाबी ऑन है तो यहाँ पे लाइट भी ऑन हो चुकी है, ठीक है। जैसे हम लोग चाबी ऑफ़ करते हैं तो गाड़ी भी ऑफ हो जाती है, लेकिन लाइट यहाँ पे चालू ही रहती है 10 सेकंड तक। आप लोग देख सकते हो ये 10 सेकंड तक चालू ही रहेगी, फिर 10 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगी। तो इसका मैं फीचर आपके लिए खास बताने वाला हूँ। तो गाइस, अभी सुबह हो रही है, तो ये वाली वीडियो सिर्फ सुबह या सिर्फ शाम को ही बना सकते हैं, तो खास आपके लिए इतनी सुबह हम लोग आए हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बताते हैं कि चाबी आपकी ऑन रह चुकी है चाबी निकालने के बाद भी, तो इसी के लिए मैं ये वाली वीडियो आपके लिए खास बना रहा हूँ। तो गाइस, इसका एक हिडन फीचर है जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए खास बना रहा हूँ। सो गाइस, ये वाले फीचर में अभी आपको मैं वीडियो के बारे में स्टार्ट करके बताता हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही चाबी हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले भी ऑन हो चुकी है और यहाँ पे लाइट हो चुकी है ऑन, ठीक है। आगे से भी दिखा देता हूँ। और जैसे हम लोग इधर चाबी ऑफ करते हैं तो यहाँ पे लाइट चालू ही है, ये 10 सेकेंड तक चालू ही रहेगी, इसके बाद ये बंद हो जाती है। तो देखते हैं, फिलहाल बंद होने तक वेट करते हैं। जैसे ही बंद होगी फिर अगर चाबी ऑन करोगे तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगी, मतलब देख सकते हो। फिर 10 सेकंड तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऑफ कर सकते हो, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी ऑन करते हैं, पहले यहाँ पे डिजिटल मीटर पे आप देख लो, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग में जाके फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके ये जो ऑप्शन है गाइड मी होम, यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद ये सब हो गया है, तो जैसे ही चाबी को आप लोग ऑफ करोगे तो सीधा ऑफ हो जाता है। यहाँ से चाबी ऑन की, ऑन हो गई, फिर चाबी को ऑफ कर देता हूँ और लाइट ऑफ हो चुकी है। सो गाइस, इसको ऑफ करने का तरीका भी सेम है, वही है, जैसे कि इधर आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके फिर सेटिंग्स पे क्लिक करके फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके जो गाइड में होम है ये आपको ऑन कर देना है। इधर से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये हो गया है, इसके बाद ऑफ करके सीधा अगर चाबी को ऑफ करते हैं तो चालू ही रहता है, ठीक है। कि अगर आपको ये फीचर अच्छा नहीं लगता हो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Sell
at maximum power.